सच से को इनको डर लगता है, इनको डर लगता है कि ठाकुर शब्द के बहाने, इस कविता के बहाने जाति के नाम पे उन्होंने जितना शोषण उत्पीड़न हकमारी की है सबका पर्दाफाश हो रहा है, इसलिए उनको डर लगता है। तो ठाकुर शब्द से आपत्ति है, लेकिन जो भेदभाव है उस पर बात नहीं करेंगे। ठाकुर शब्द पर बात करेंगे कि अपमान हो गया, और ठाकुरों ने जो, सवर्णों ने जो, मनुवादियों ने जो शोषण किया उससे अपमान नहीं हो रहा। यह देश बहुत जातिवादी है, भेदभाव का विरोध नहीं करेंगे, उत्पीड़न का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जातिवाद है, यह सच अगर सामने आ जाए इनके पेट में मरोड़ होने लगता। जाति जनगणना का विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि इस देश में ओबीसी का हक कौन मार के बैठा हुआ है पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कि देश में ब्राह्मणों की आबादी 3% है तो 95% जज क्यों बना हुआ है। सवाल उठ जाएगा कि इस देश में सवर्णों की आबादी 10% है तो 80% संसाधनों में भागीदारी क्यों है। इसलिए उनके पेट में दर्द है सवर्णों का। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे का, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। ये कविता है जिस पर बवाल मचा हुआ है। ये जो कविता है मुझे लगता है प्रतीकात्मक रूप से यह कविता इस देश में जो जातिवादी सामंती लोग हैं उनके खिलाफ यह कविता है और एक सच्चाई को जो है प्रदर्शित करती है। किसने नहीं देखा है कि ठाकुर के कुएं पर जो है दलित पानी नहीं भर सकता है, किसने नहीं देखा है? क्या यह इस देश का सच नहीं है? मैंने देखा है, मैं एक मृत्यु भोज पर गया हुआ था और वहां जो है दलितों को जमीन पर बिठा के खिला रहे थे और सवर्ण जो है टेबल कुर्सी पर बैठकर खा रहा था। यह तो सच है, इस भारत में जातिवादी समाज का यही सच है, इससे इनकार किसको है? क्या इस देश में ठाकुर उत्पीड़न, ठाकुरों ने उत्पीड़न नहीं किया? क्या इस देश में सवर्णों ने उत्पीड़न नहीं किया? क्या इस देश में आज भी ठाकुर एक प्रतीक है? ठाकुर हो सकता है आपके यहाँ कोई राजपूत अपना सरनेम लगाता हो। तो इस कविता में जो ठाकुर प्रसंग आया है वो है इस देश में जो सामंतीवादी शक्ति है, इस देश की जो जातिवादी शक्ति है उनके लिए ठाकुर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्या यह देश इतना जातिवादी नहीं है कि कुएं पे दलितों को पानी नहीं भरने दिया गया? ऐसा तो हुआ है इस देश में, आज भी होता है। क्या इस देश के विश्वविद्यालय में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता? ठाकुर मतलब सवर्ण नहीं होता क्या? क्या हिस्सेदारी और भागीदारी में, इस देश में हिस्सेदारी और भागीदारी के मामले में हमारे साथ भेदभाव नहीं होता है क्या? तो ठाकुर शब्द से आपत्ति है, लेकिन जो भेदभाव है उस पर बात नहीं करेंगे। ठाकुर शब्द पर बात करेंगे कि अपमान हो गया, और ठाकुरों ने जो, सवर्णों ने जो, मनुवादियों ने जो शोषण किया उससे अपमान नहीं हो रहा। यह जातिवादी मानसिकता, लेकिन जो इसके खिलाफ है वो आपसे तो कुछ कह ही नहीं रहे, वो तो मनोज जा ब्राह्मणों से पूछ रहे हैं। नहीं, ब्राह्मण ठाकुर आपस में जिसको जिससे पूछना है पूछे, लेकिन जो मूल तत्व है इसके बहाने जो हमारे सवाल हैं, जो हमारे साथ भेदभाव का मामला है, जो हमको कुएं पर पानी नहीं भरने दिया गया, सदियों तक जो हमारा शोषण हुआ, हम उस दर्द की बात करेंगे। और मुझे लगता है कि मनोज झा भी उसी दर्द की बात कर रहे थे। पर अब ऐसा नहीं है ना। किसने कहा? रूप बदल गया। क्या राजस्थान में एक बच्ची को उसके टीचर ने सिर्फ इसलिए नहीं पीट कर मारा क्योंकि उसने मटके को छू लिया था पानी पीने के लिए? ये 22वीं सदी में हुआ ना, तो आज भी तो हो रहा है जातिवादी उत्पीड़न। हमारे बिहार के लखीसराय में एक दलित का जो है खेत में कुछ छू दिया था दलित ने, उसको थ्रेसर में दे के मार दिया, थ्रेसर चला के। तो वो नहीं है क्या? फूलन देवी को क्यों विद्रोही नहीं होना पड़ा? क्योंकि ठाकुर के कुएं पर गई थी। तो इस देश, यह देश बहुत जातिवादी है, सीधी सी बात है। इस देश में सवर्णों ने भेदभाव किया है, इस देश में सवर्णों ने छुआछूत किया है, यह एक सच है। ठाकुर शब्द से आपत्ति होती है, ठाकुर शब्द से आपत्ति होती है, हम इनकार करते हैं। आपत्ति करनी है छुआछूत से आपत्ति करो, आपत्ति करनी है तो भेदभाव से आपत्ति करो।
जातिवादी उत्पीड़न से आपत्ति करो। ठाकुर शब्द की बहस, यह कौन सी नकली बहस है? ठाकुर कुआं का इस कविता को अगर राज्यसभा में पढ़ा गया है, उसके बहाने आज भी इस देश में जो जातिवादी भेदभाव है उस पर बात होनी चाहिए। कुछ लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मनोज झा को वो कविता पढ़नी चाहिए थी जिसमें ब्राह्मणों को जो है प्रतीक के तौर पर दिखाया गया जिन्होंने शोषण किया, तो उन्होंने ठाकुर वाली कविता क्यों पढ़ी? नहीं, ब्राह्मणों को भी पढ़े। हम तो चाहते हैं कि जितने लोगों ने शोषण किया है तमाम शोषकों का सच सामने आना चाहिए, चाहे ब्राह्मणों का सच हो चाहे ठाकुरों ने किया हो। दलित उत्पीड़न से जो भी सामने आए सबको सामने लाना चाहिए, जिस किसी ने भी दलितों का उत्पीड़न किया, जिसने भी हमारे साथ भेदभाव किया है। मनोज झा ने ब्राह्मणों वाली कविता क्यों नहीं पढ़ी, ठाकुर वाली क्यों पढ़ी? तो मनोज जी जाने, लेकिन इस बहाने हमें तो खुशी इस बात की है, इस बहाने इस देश में यह विमर्श तो चला, हमें तो उस विमर्श से मतलब है जो भेदभाव का विमर्श है। लेकिन सर इस विमर्श से बड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत होगी, किनको दिक्कत होगी? जो जनेऊ पहने टीवी में एंकर हैं, उनको दिक्कत होगी ना, क्योंकि भेदभाव में शामिल रहे हैं। उनके यहाँ खाट पर आज भी चित्रा त्रिपाठी का है, यहाँ कौन दलित जाकर बैठ जाता होगा उसके गांव में? खाट पे कौन दलित बैठ जाता होगा? अंजना ओम कश्यप के यहाँ जाके किस दलित की हिम्मत होती होगी क्या? अंजना ओम कश्यप भूमिहार है बिहार की, उसके घर के यहाँ जाके कुर्सी पे बैठ के पैर पे पैर चढ़ा के पाँव चढ़ा के जो है चाय पी ले, हिम्मत है? ये लोग तो शोषण में शामिल हैं, जातिवादी लोग हैं, ये मीडिया में क्यों दिखाएंगे? इनको दिक्कत होगी, इनके पेट में दर्द होगी। सर ठाकुरों को इस सबसे दिक्कत हुई है, लेकिन दलित आदमी घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है और मुंह से दे सकता है राजस्थान में गुजरात में, उन्होंने तो कभी विरोध नहीं किया इन चीजों का? ना, पूरे देश में है वही, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। उसका विरोध नहीं करेंगे, भेदभाव का विरोध नहीं करेंगे, उत्पीड़न का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जातिवाद है यह सच अगर सामने आ जाए इनके पेट में मरोड़ होने लगता है। जाति जनगणना हो रही है उसका विरोध हो रहा है? होगा, जाति जनगणना का विरोध करेंगे ये लोग। जाति जनगणना का विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि इस देश में ओबीसी का हक कौन मार के बैठा हुआ है पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कि देश में ब्राह्मणों की आबादी 3% है तो 95% जज क्यों बना हुआ है। सवाल उठ जाएगा कि इस देश में सवर्णों की आबादी 10% है तो 80% संसाधनों में भागीदारी क्यों है? इसलिए उनके पेट में दर्द है सवर्णों के। पिछड़ों का ठेका दलितों ने ले लिया क्या? नहीं, हम तो बहुजन की बात कर रहे हैं, बहुजन की बात है ये। सबके सबका हक मारा है इन्होंने, ओबीसी का भी हक मारा है, शेड्यूल कास्ट का भी हक मारा है, शेड्यूल ट्राइब का भी हक मारा है, सारे बहुजनों की हकमारी की है। पिछड़े तो कहते हैं इनका एससी एसटी वालों का रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। आप अब जो कहते हैं देखिए क्या है, लेकिन जो पूरा जो एक मुकम्मल एजेंडा है बहुजन हिस्सेदारी की, बहुजन भागीदारी की, हम उस एजेंडे के साथ हैं। क्या 2024 से पहले ये जो विमर्श हो रहा है या आंकड़े जो आए रिपोर्ट आए तो इसका प्रभाव पड़ेगा? पड़ गया प्रभाव। अभी देखिए ना, पूरे देश में सिर्फ इसी की चर्चा है, पूरा जो हिंदू 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 मुस्लिम का पूरा बीजेपी का एजेंडा है। 2024 के पहले सारे एजेंडे ध्वस्त किए जा चुके हैं, अब कोई एजेंडा, अब सिर्फ जाति जाति चल रहा। बताओ, दो हिस्सेदारी, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, जिस जात की जितनी भागीदारी है उसको उतनी उसकी हिस्सेदारी, जिसकी आबादी है भागीदारी देनी होगी। टिकट जाति के हिसाब से सब पार्टी को देना पड़ेगा। कांग्रेस पर विश्वास है आपको देगी? विश्वास तो किसी पे भी नहीं है, लेकिन हम लड़ना थोड़े ही छोड़ देंगे, हम मांग करना थोड़े ही छोड़ देंगे। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलता है, हम तो हक की बात कर रहे हैं। हक तो लड़कर मिलेगा, सब जगह लड़ना है, कांग्रेस में भी लेना है, भाजपा में भी लेना है, जेडीयू में भी लेना, आरजेडी में भी लेना। लेकिन कांग्रेस सब जगह आबादी के हिसाब से भागीदारी चाहिए, यही सीधी सी लड़ाई है। कांग्रेस को आजकल बड़ी चिंता हो रही है जातीय जनगणना की। होगी, सबकी होगी, बीजेपी को नहीं है। बीजेपी जो है बनाता है जब ओबीसी मंत्री, तो कैसे प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं? प्रधानमंत्री कहता है मैं पिछड़ा का बेटा हूं। अमित शाह जो है अप्रैल में मोदी तेली साहू सम्मेलन को संबोधित करते हैं अहमदाबाद में। सबकी चिंता है भाई,
लेकिन अभी बीजेपी ये तो पूरा खेल ही हिंदू मुस्लिम से शिफ्ट हो गया है ना जाति पर। सर एक कवि हुए अदम गोडवी, उन्होंने भी एक कविता कही थी कि चमारों की गली तक लेस लूंगा। चमारों ने इस शब्द पर कभी विरोध नहीं जताते जिस तरह से ठाकुर जता रहे विरोध अपने शब्द को लेकर। हम जातिवादी नहीं है ना, हमारा तो सच है, ये तो हम क्यों घबराएंगे। अब सच से को इनको डर लगता है, इनको डर लगता है कि ठाकुर शब्द के बहाने, इस कविता के बहाने जाति के नाम पे उन्होंने जितना शोषण उत्पीड़न हकमारी की है सबका पर्दाफाश हो रहा है, इसलिए उनको डर लगता है। ठाकुर कह रहे हैं इसके सबके पीछे ब्राह्मण हैं। हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं भैया, हमारा शोषण उत्पीड़न हमारी हकमारी तो सब लोगों ने की है, हम तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारी जितनी आबादी है भागीदारी दो, देना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।